गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टू स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ रेमेडी। अगर आपके पास सेकंड स्टेप का टाइम नहीं तो आप फर्स्ट स्टेप को ही फॉलो करें, और अगर सेकंड स्टेप का टाइम है तो प्लीज वीक में एक बार उसे जरूर फॉलो करें। तो आपको आपके पैरों में अल्टीमेट रिजल्ट दिखेगा। आपको किसी भी महंगे से सलून में जाना ही नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट पेडिक्योर के लिए, और आपके पैर भी बिल्कुल आपके चेहरे की तरह खिल उठेंगे, सुंदर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो स्टेप नंबर वन है, सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा। अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट वाला ले सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा लेमन। तीसरा रहेगा वैसलीन। अब जान लेते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। आपने एक खाली बाउल लेना है, उसमें एक चम्मच वैसलीन लेना है, फिर उसमें आधा लेमन आपने स्क्वीज कर देना है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और इसको एक प्लास्टिक की डब्बी में स्टोर करके रख देना है। अब आपने क्या करना है, रोजाना रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से वॉश करना है। उसमें जितनी भी डस्ट है, इम्प्योरिटीज है, स्वेटिंग है, उसको अच्छे से आपने निकाल देना है। देन टॉवल से क्लीन करके आपने अपने पैरों पर इस अल्टीमेट क्रीम को अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आप सॉक्स पहन लीजिए और सोने से आधा घंटा पहले आप एज इट इज अपने पैरों को जरूर रखें, और सोते समय जुराब उतारें और एज इट इज सो जाएं। सुबह तक आपके पैर एकदम बच्चों की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे, और फटी एड़ियां कैसे गायब होंगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके पैरों में एक बार के इस्तेमाल से ही अल्टीमेट रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। इसके लिए आपने लेना है आधी बाल्टी गर्म पानी। उसमें आपने दो चम्मच नमक डालना है। इसमें थोड़ा सा आप शैम्पू ऐड करें, फिर आधा नींबू का जूस ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करना है, और अपने पैरों को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसमें डिप करके रखें। उसके बाद अपने पैरों पर लूफा, इस तरीके का मार्केट में मिलता है, उससे अपने पैरों को अच्छे से रब करें, जिससे कि आपके पैरों में जो गंदगी होगी, आपकी एड़ियों में जो डेड लेयर जमी होगी, वो भी बिल्कुल नरम पड़ चुकी होगी। तो जब आप लूफा से उसको स्क्रब करेंगे तो आपकी सारी डेड लेयर बहुत अच्छे से निकल जाएगी। देन उसके बाद साफ पानी से वॉश करके अपने पैरों को एक टॉवल से पोंछ लीजिए। उसके बाद उस अल्टीमेट क्रीम को अपने पैरों में लगाएं, उस जेल को, देन उसके बाद सॉक्स पहन ले। तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपके पैरों में, आपकी मम्मा के पैरों में भी बहुत ज्यादा फटी एड़ियों की तकलीफ है, उनमें से खून तक आता है, बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो ये सारी चीजों को बिल्कुल चुटकियों में गायब कर देगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।